मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिला प्रशासन ने गुंडे माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन माफियाओं द्वारा फिर से निर्माण किया जा रहा है, जिसे दोबारा तोड़ने और उन पर रासुका की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। देखिए खास गुंडे माफियाओं पर प्रशासन फिर हुआ सख्त। बदमाशों द्वारा किए गए दोबारा निर्माण की कलेक्टर को मिली शिकायतें। बदमाशों के मकानों को फिर किया जाएगा ध्वस्त। रासुका लगाने के भी कलेक्टर ने दिए संकेत। गुंडे माफियाओं पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम ने की थी, लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह को जानकारी मिली है कि कुछ माफियाओं द्वारा फिर से निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कलेक्टर मनीष सिंह सख्त रवैया अपनाने वाले हैं। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जिन गुंडे माफियाओं द्वारा दोबारा निर्माण किया जा रहा है उसे ध्वस्त कर उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। जो असामाजिक तत्व हैं, जो बदमाश टाइप के तत्व हैं, और अब अगर ये ऐसा किया इन्होंने मकान बनाया, तो रासुका में हम आईजी सिटी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, इनको हम रासुका केस पेश करा के जेल भेजेंगे इनको। जहाँ हम इस प्रकार के गर्मी किसी को है कि दो बार तोड़ दिया है, बब्बू छब्बू का किसी एक का व्यक्ति का गुंडे का दो बार तोड़ा है, अगर इस तरह की इनको है तो फिर इनके खिलाफ अलग से और भी हम लोग पेनल प्रोविजन इन्वॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि गुंडे माफियाओं द्वारा दोबारा जो अवैध निर्माण किया है उसे तोड़ा जाएगा, वहीं रासुका की कार्रवाई के भी संकेत दे दिए। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।